अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट। आज के लेक्चर में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी आप लोगों को तरीकेकार बताया जा चुका है कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को इन वन वेरिएबल हल करेंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो एलसीएम होगा 2, 3 और 6 का, वो आप लोगों के पास बन जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6। हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास 6 ही आ रहा है। अब हम हर एक टर्म को इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इज 6। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6। इस मेथड से इस किस्म के सवाल जो होते हैं वो आसान बन जाते हैं, इजी बन जाते हैं। इस टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ, सेकंड वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और राइट साइड वाले जो नंबर है उनको भी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 6 के साथ। अब यहां देखिए, ये कैंसिल हो रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, और यहां पर 6 और 6 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x। ये 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x, लेकिन यहां पर माइनस तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। इधर है हमारे पास 6x और इधर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से आ जाएगा 1। आप यहां पर देखिए, जब हम 4x से 3x को माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास x ही आ जाएगा, और 6 को हम जो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है 6x, इसको खत्म करना है इस राइट साइड से, तो हम इसको दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो ये इधर आके आप लोगों के पास बन जाएगा -6x। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -6, जब हम 1x से -6x को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा -5x। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि अब हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई -5। ऐसे भी लिखवा सकते हो और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है, ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे पास, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए अब हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है क्या ये इस इक्वेशन को, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये ट्रू आता है कि नहीं आता, इस चीज को भी अभी हमने यहां पर देखना है। तो इसके लिए अब हम इसको चेक करेंगे, चेकिंग की तरफ आ जाते हैं। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू -1/5 इन 1, क्योंकि ये सीख जाओ आप लोग, वेरिफिकेशन सीखना जरूरी है ताकि आप लोग सीखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। अब हम इन्हीं वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू -1/5 को। सो 2/3 -1/5, x की जगह हमने -1/5 पुट कर लिया। इसी तरह यहां भी पुट कर लेते हैं -1/2 × -1/5। सिमिलरली यहां भी पुट कर लेते हैं और ये 1/6 अपनी जगह पे आ जाएगा। सो +1/6। अब यहां देखिए, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई -1 से आ जाएगा -2, और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 से बनेगा हमारे पास 15। इसी तरह माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से आ जाएगा 1, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 से बनेगा 10। इस साइड का एलसीएम लेंगे
एलसीएम लेने का तरीका बड़ा सिंपल है, 6 5s are 30, 6 1s are 6 एंड 5 1s are 5, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दिया और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सेम अमर हम यहाँ भी कर लेते हैं, 15 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, फिर इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सो -20, और 15 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा हमारे पास -1 over 30, और इधर भी जब हम -20 + 15 करेंगे तो इधर आ जाएगा -5, और नीचे मौजूद है हमारे पास 150, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 0 आ जाएगा, और ये -1 over 30 अपनी जगह पे आ गया। अब आप लोग यहाँ देखो तो ये भी हमारे पास -1 over 30 और ये भी हमारे पास -1 over 30 है, इट मीन दैट ये ट्रू हो गया। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी -1 over 5 उसने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, सो दैट्स व्हाई आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका ये बन जाएगा, दस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 over 5। कुछ स्टूडेंट ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिखवाते हैं, ये नहीं लिखवानी, ये तो हमने वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट हासिल कर लिया। आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट में उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू लिखवानी है, वेरिएबल एक्स होगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ लिखवाए, वाई होगा तो वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखवाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना होगा इन किस्म के सवालों में, आप लोगों ने सबसे पहले उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है नंबर 1, और उसके बाद आप लोगों ने उसी वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में और देखना है कि क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, तब आप लोगों ने उसका सोल्यूशन सेट लिखवाना है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ भी लिया होगा और आप लोगों ने मेथड भी सीख लिया होगा। अगर आप लोगों को इस चैनल से फायदा मिल रहा हो, आप लोगों को मैथ सीखने का मौका मिल रहा हो, तो इसको आगे भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी मुस्तफीद हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।